जी कोई कोई माँ बाप नहीं मार सकता अपने औलाद को, जी और पुलिस को चाहिए दारोलमान भेजे उसका। सबसे पहला तो मुतालबा ये करें, इतना ओपन तरीके से चंद घंटों में केस सॉल्व हो सकता है, अगर सिंसियरिटी से इसको पूरा अंजाम तक पहुंचाया जाए तो इस केस में कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। आप ये देखे ना, आप ये देखिए, मेन मीडिया पे तो ये केस आ ही नहीं रहा, आ तो रहा है ये सिर्फ यूट्यूब पे आ रहा है, सारी चीजें यूट्यूब पे वायरल हो रही है। यही तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि इसमें लोगों को फंसा के 25 रुपए और 60 रुपए जब पेट्रोल बढ़ा दिया जाएगा, अब उसमें लगी हुई आवाम। मेन मीडिया तो जो है वो महंगाई का पर दुआ जहरा के ऊपर जो बिचारी बच्ची जो है, जिस माँ बाप की बच्ची, अभी तो उसी पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है ना कि वो बच्ची तो अपनी मर्जी से गई हुई है, अपनी मर्जी से रह रही है उस लड़के के साथ, बल्कि उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है जिसकी वजह से माँ बाप के साथ वो जाना नहीं चाहती है, और उसको मुल्क से बाहर भी भेजने की तैयारियां की जा रही है। तो आप बताए ना, उस लड़की को कौन बचाएगा अभी इस वक्त, कौन उनको तहफ्फुज़ देगा? जी वालेकुम सलाम। जी जी सिस्टर, मगर सिस्टर देखें, बात दरअसल ये है, सच्चाई क्या है, मुझे सच्चाई चाहिए इस वक्त, मैं खुद इसी सच्चाई मालूम करना चाहती हूँ आप सब कॉलर से। मैं सिस्टर कुछ और कहना चाह रहा हूँ। जी देखिए, बात दरअसल ये है सिस्टर, एज अ बाप, मैं भी 2 बच्चियों का बाप हूँ, मेरे हिसाब से तो ये आपने टॉपिक ही गलत रखा है। ये उस पर देखे, मैं हो गया या कोई भी आपके माशाल्लाह इतने अच्छे पढ़े लिखे कॉलर है, किसी के बाप की बेटी है वो, सही, अदालत ने फैसला गलत सुना दिया, अब हम क्या कर रहे हैं कि उसकी इज्जत और उछाल रहे हैं, उसकी इज्जत नहीं उछाल रहे हैं, उसके माँ बाप की इज्जत नहीं उछाल रहे हैं। आप ये बताएं कि एक सच्चाई की आवाज है ना, ताकि जो झूठ, एक बात सुने, जो झूठ वीडियो बनी हुई है उन पे आके बात करें ना कि नहीं जी ये गलत वीडियो बन रही है यूट्यूब की, ये गलत चीजें दिखाई जा रही है रोशनी, ये गलत, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि वो अपने बाप से नहीं मिलना चाह रही, वो अपने माँ से नहीं मिलना चाह रही। एक एज अ बाप अगर मैं हूँ तो मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये किसी की बेटी है, उनके माँ बाप के लिए उनकी बहुत, आप ये देखें कि सारे लोकल जो मीडिया बनाया हुआ है जिसकी बड़ी बहुत ताकत है, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि जी अब मेन मीडिया पे तो कोई चीजें नहीं चलती हैं, ब्लॉक कर दी जाती है, मगर आजकल तो मीडिया आजाद है, सोशल मीडिया पे हर चीज वायरल हो जाती है, ट्विटर पे वायरल हो जाती है, टिकटॉकर पे चली जाती है, यूट्यूब पे चली जाती है, तो अब तो मीडिया जो मेन मीडिया है उसकी जरूरत नहीं है, अगर मेन मीडिया को वो लोग डालने की इजाजत नहीं देते किसी चीज की भी, तो ये मीडिया इतना सारा है जिसपे दुनिया जहान में उसकी आवाज पहुंच जाती है, अगर किसी को हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मुझे आप बताइए ना आवाज क्या पहुंचेगी। अब यूट्यूब पे जो देखें आवाज क्या, आप लोग सच बताएंगे, वो जो यूट्यूब पे देखें, आप सोचे आप ये सुने मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो आप सुन ही नहीं रहे, मेरी बात सुने, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो जो यूट्यूब पे जो गलत वीडियो आ रही है उस पर आप आवाज उठाइए कि दुआ जहरा हकीकत में इस तरह की नहीं है जिस तरह उसको पेश किया जा रहा है, जिस तरह बताया जा रहा है। आपने कहा ना कि आपने टॉपिक ही गलत लिखा है, तो मैंने लिखा है कि सच्चाई बताए उसकी आके मुझे, हाँ ये अलग बात है, ये देखे आप टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहे हैं, ये अलग बात है, मेरी भी 2 बच्चियां हैं, मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि माँ बाप के दिल से क्या गुजरती होगी, कोई आदमी इस तरह की बात है, मेरा जैसा आदमी बात करेगी वो तो उसका देखें, अगर आपके बयान से, आपकी बात से लड़की को तहफ्फुज़ मिल सकता है, लड़की को सही राह मिल सकती है, लोग उसको बचा सकते हैं, तो वो बड़ी चीज होती है। ये अदालत, जब मैंने आपसे कहा ना, जब तक ये जजों की बेटियां नहीं भागेंगी, तब मैं उनसे पूछूं कि आप फैसला सुनाओ कि क्या फैसला है तुम्हारा, तब ये जाके उनको इंसाफ मिलेगा, वरना कोई इंसाफ करने वाला नहीं है पाकिस्तान में। तो मेरा यानी कहने का मतलब, तो यानी कि फिर कब इंसाफ होगा? किसी चीज के लिए इंसाफ नहीं है, बच्चों के लिए इंसाफ नहीं है, बच्चों के लिए इंसाफ नहीं, तो मुल्क में चल क्या रहा है? तो फिर कौन इसका हिसाब लेगा, कौन आके इस पे बात करेगा, कौन सच्चाई को सामने लेकर आएगा आवाम के सामने? सवाल ये पैदा होता है। जी जी एक मिनट और करें। जी जी बोले, आप बोल रहे हैं। जी जी हेलो, हमारी आवाम खामोश रहेगी, हम लोग खामोश रहेंगे, इसी तरह जुल्म करते रहेंगे, इसी तरह आपके ऊपर अपने ऑर्डर जो है ना वो लगाते रहेंगे, सब गवर्नमेंट भी, आपकी अदलिया भी, आपकी पुलिस भी, सब आपको इसी तरह रहते रहेंगे अगर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। जैसे कि आप कह रहे हैं मेन मीडिया खामोश बैठा हुआ, मेन मीडिया को पैसे मिलते हैं, सीधी बात है, कौन बोलेगा मेन मीडिया में, कोई भी नहीं बोलेगा। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वहाँ पे बोलते हैं, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी 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 सज्जाद ने बहुत अच्छी बात की है कि हम क्या बात करें, हमारे तो घर में पर्दा पड़ता है, हम तो आधे आधे सुन्नी है, आधे शिया है, हम तो कोई बात ही नहीं कर सकते।
तो बात रही वो एक भाई ने कल आके बोला था कि हु वांट टू बी अ बिलियनर, वो जिसके पास बिलियन होगा ना वो ये केस जीतेगा। अदालतों का आप 10 लोग भी मार देना आजकल जो पाकिस्तान का हाल है, जो आजकल है, अच्छा वकील कर लो, जितने पैसे मांगे उसको पैसे दे दो, आपको कुछ छू ही नहीं सकता। 10 यू कैन कैन 10 पीपल आपके पैसे है ना, जो आपको ऐसे बाल की तरह निकाल के ले जाएंगे जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। वहां बाहर लाना डर तो है ही कोई नहीं। अगर इमरान खान ही जीत सकता तो और इससे ज्यादा कौन जीत सकता है वहां, जिसके पीछे सारा पाकिस्तान है, वो नहीं जीत सकता अदालतों में जाके। तो भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी, जिसके पास बिलियन है ही विनर हो इन पाकिस्तान। थैंक यू जी। जी जी बोले आप बोले जी। जी सपना, पाकिस्तान का तो एक बार हाल किया है इम्पोर्टेड हुकूमत ने, साजिश और मुदाखलत वाले साहब आए थे, अवाम को उसी में लगा के मीडिया उसी पे ही बहस करता रहा और खामोशी से जो है ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने रात 12:15 बजे, अच्छा पहले समरी मूव हुई तो कहा गया कि शहबाज शरीफ ने के जो है मुस्तरद कर दिए पेट्रोल की कीमतों के प्राइस जो है मुस्तरद कर दिए। उसके बाद जब 12:15 बजे, क्योंकि पहले तो लोगों का रश बढ़ गया था पेट्रोल पंप पे, तो उस ऐसे टाइम पे बढ़ाए पेट्रोल के प्राइसेस के लोग जो है पेट्रोल पंप तक जा ही ना सके और वो टाइमिंग पूरा हो जाए 12:00 बजे रात के। तो ये हाल है कि आज और एक बम गिरा दिया गया। मतलब इससे आप अंदाजा कर लें इस इम्पोर्टेड हुकूमत का कि डॉलर 210 रुपए की तरफ पहुंच चुका और महंगाई का और तूफान। आज अभी मैं देख रहा था कि ट्रांसपोर्ट गुड्स जो एसोसिएशन है उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा हमारे जो ट्रक हैं ये हुकूमत खुद ले ले और खुद चला ले, ये हमारे बारे में नहीं आ सकता, हम नहीं चला सकते। ये सूरत हाल हो गई है कि लोग क्या करेंगे। आप अंदाजा करें कि अभी और भी बढ़ना है पेट्रोल, ये अभी भी यहाँ पे भी IMF जो है कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, अभी इन्हें पैसा नहीं मिलेगा। ये अजीब सूरत हाल है। मिस्टर इस्माइल कहते हैं उस प्रोग्राम में एक जगह पे कि हम अगर रशिया से पेट्रोल मांगे तो रशिया हमें नहीं देगा, इमरान खान को दे सकता था पेट्रोल। अब ये सूरत हाल है, मतलब किस तरफ ले गए हैं मुल्क को। क्या मुल्क चल नहीं रहा था, क्या चीज थी जो आज इमरान खान की 2-2.5 महीने पुरानी हुकूमत को कंपेयर कर लें इस हुकूमत से, हर चीज डबल से भी ज्यादा हो गई बेट। कहाँ ले जाएंगे मुल्क को। और अभी रुका नहीं है ये सैलाब जो है, तूफान जो है, ये और बढ़ता जाएगा। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए, ना बिजली है ना पानी है, अजीब सूरत हाल है। मैं मतलब क्या करेंगे लोग, ये कत्लोगारत करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, यही होगा खाना जिंदगी की तरफ ही जाएगा। अब आप ये देखेंगे जो दुआ जहरा की थोड़ी सी वीडियो चलाई जा रही है तो उसमें देखें उसकी माँ कितना बिलक बिलक के रो रही है, उसका बाप भी खड़ा हुआ है। अब आप देखें सच्चाई तो कुछ नजर ही नहीं आ रही ना कि हकीकत क्या है, जो हकीकत अगर यूट्यूब पे जाके देखें। जी निजाम है ना जी, मार्क है ये बड़े लोगों के लिए इंसाफ यहाँ पे मिलता है, जिन्होंने कत्ल भी किए हुए हों, जिन्होंने फ्रॉड भी किए हुए हों, जहाँ अरबों रुपए की करप्शन भी हो, वो गवाहों को भी मार दें तो उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और रात की तारीखी में हुकूमतें गिरा दी जाती हैं, 12 बजे ये रिपोर्ट भी खुल जाते हैं, जिनको देना होता है इंसाफ उनके लिए सब कुछ है और गरीब के लिए वहां पे कोई इंसाफ नहीं है। गरीब मरता रहता है, रुलता रहता है। अब आप मुझे बताएं कि ये अवाम के जो पैसों के ऊपर जो टैक्स के यानी ये जो पार्सल्स बने हुए हैं उनसे 400 अरब रुपए फंसे हुए हैं, क्या ये अदालतों को नहीं पता कि ये 400 अरब अगर इन बड़े लोगों से निकलवा लिए जाए, इनके बड़े बड़े वकील उन देश को दबाए बैठे हुए, 400 अरब रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, वो इन्हीं अवाम का पैसा। इन पार्सल्स के ऊपर 40 अरब तो इमरान खान ने चीनी माफिया के ऊपर लगाए थे, वो सब केस दबे हुए हैं, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए कि बड़े लोगों के पास वो पैसा उनका है जिनसे निकलवाना है, उनको कहां अदालतें सुनेंगी। अब आज देख लें
उसमें बावे इकबाल में पता नहीं कहाँ पे, तो ये अब आप ये देखिए मेरा सवाल आपसे है, ये जो मेरे साथ कॉलर है मेरे इनका सवाल है, आप बताएं कि शैला रजा इसके अंदर इस केस में शामिल है और वो भी आपको सामने उनको दिलासा दे रही है लड़की की माँ को, अब आप बताएं कि सिर्फ गवर्नमेंट तो खुद इसमें इन्वॉल्व हुई है कि इस केस को सीरियस से ले रही है, सीरियस तरीके से इस पे काम कर रही है, तो फिर ये क्यों है ना? जी जी एक सेकेंड जी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, शैला रजा की एक एनजीओ है बेसिकली, या वो शैला रजा की एनजीओ जो काम कर रही है जी, वो प्राइवेट उनकी पर्सनल है, मतलब सिंध गवर्नमेंट इसमें अंदर कोई, मगर सिंध गवर्नमेंट ने उनको देखें, सिंध गवर्नमेंट ने आजादी दी, उनको आजाद किया वहाँ से, अदालत से आजाद कर दिया गया, सिंध गवर्नमेंट में उनको आजाद किया गया था, उनका जब सुनाया गया फैसला तो उनको ये कहा गया कि जी वो अपनी तरफ से आजाद है, अपनी जिंदगी गुजार सकती है, जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कह दिया जाना चाहती है तो जा सकती है, तो फिर लड़की को क्यों नहीं जाने दिया?